कैसे हैं आप लोग? डाउटनट लीव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जल्दी से आओ और इस क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि भाई आज हम एक ऐसा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की इतिहास का, जो भाई इतिहास की जान है, शान है। और भाई इस अध्याय का नाम क्या है? तो इस अध्याय का नाम है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवोल्यूशन। इस पूरे अध्याय को हम डिटेल में करेंगे और आज है इसका पार्ट नंबर 1। तो फटाफट से आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। चलिए, हेलो हेलो, कैसे हो? फटाफट से आओ और भाई इस लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। और भाई जो बच्चे YouTube पे मेरे को देख रहे हैं और नए हैं, पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, तो मैं बोलूंगा उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई ऐसा फ्री का कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने हम जा रहे हैं। इसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवोल्यूशन। आओ आओ फटाफट से आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग साक्षी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बिल्कुल बेटा। और एक बात और भाई, अगर ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना? और कुछ लिखने का मन करे तो कमेंट भी कर देना, ठीक है ना? चलिए तो शुरू करें। फटाफट से बताओ, 1 से 2 मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। हेलो बेटा, हेलो कैसे हो बेटा? पलक बेटा हाय, हेलो 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 एवरीवन। चलिए हाँ बिल्कुल बेटा, हम पूरा लेसन खत्म करवाएंगे। ये पार्ट नंबर 1 है, 2 से 3 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है? हाय ब्रो, हेलो बेटा। चलिए नजीन खान, हेलो सर, हेलो बेटा कैसे हो? अरे भैया बोल दिया करो, सर्वर क्यों बोलते हो? पहले भी बोला है मैंने। चलिए चलिए आ जाओ फटाफट से आ जाओ। चलिए तो शुरू करें। एक बारी थम्स अप दे दो सारे बच्चों मेरे को, एक बारी। फैंटेसी गुरु, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं फिर, हैं फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। चलिए तो भाई फ्रांस की क्रांति शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम अध्याय के नाम पे आते हैं। फ्रांस क्या है? तो फ्रांस एक देश का नाम है। ये कहां पे है? तो भाई यूरोप, जो महाद्वीप है वहां पे ये स्थित है, ठीक है? किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फ्रांस की। और भाई क्रांति, क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को, फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई क्रांति जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। बताओ बताओ फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अरे वाह पलक बेटा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बदलाव या बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन। चलिए तो भाई क्रांति शब्द का अर्थ होता है बदलाव लाना। क्या मतलब होता है? बदलाव लाना या फिर परिवर्तन करना, ठीक है? परिवर्तन या फिर बदलाव। अब भाई परिवर्तन और बदलाव ये किस चीज का है? तो भाई जो लोग हैं जब ये इकट्ठा होके परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, किसके लिए भाई? किसको हटाना चाहते हैं? यहां पे परिवर्तन लाने की बात हो रही है, किसके लिए? तो भाई उस देश की जो सरकार है या फिर उस देश का जो राजा है, ठीक है, उसे बदलना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन चाहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रांति। समझ में आ गया क्रांति शब्द का मतलब? जल्दी से बता दो। तो भाई जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, यानी कि जो फ्रांस के लोगों ने क्रांति की थी अपने राजा को हटाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन या फिर फ्रांस की क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि हम हमेशा ना एक उदाहरण सेट करते हैं, एग्जांपल सेट करते हैं। जैसे आपके पापा कहते होंगे कि भाई देखो शर्मा जी के लड़के ने टॉप किया है हमारे गांव से, इससे पहले ना इस गांव में किसी ने टॉप नहीं किया था। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई शर्मा जी के जो लड़का है ना, उसने एक उदाहरण सेट किया है, उसने एक एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई हमने देखो टॉप किया है, इससे पहले, आज से पहले कभी हुआ नहीं था। तो भाई जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इससे पहले कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई थी। और इस क्रांति के बाद ना जो और देश थे, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसने उन देशों ने सीखा है किससे? फ्रांस से, कि भाई देखो अगर फ्रांस में बदलाव आ सकता है तो हमारे देश में भी बदलाव आ सकता है। समझ गए? तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, ये इतिहास में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए समझ में आ गया ना? ठीक है,
चलिए तो फिर आगे बढ़े, अपने अध्याय की शुरुआत करें। तो भाई सुनो, ध्यान से सुनो, तो आपका जो चैप्टर शुरू होता है कहां से होता है? तो भाई जब एनसीईआरटी आप खोलोगे तो एक कहानी बताई गई है। तो जैसा होता है ना, मूवीज वगैरह देखते होगे आप, तो पिक्चर के बीच का कोई ऐसा सीन उठाते हैं और फिर क्या होता है, फिर फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी। ऐसा कुछ मैं सीन क्रिएट करने जा रहा हूं, तो आपको मैं फ्रांस घुमाने ले जा रहा हूं, ठीक है ना? अपनी आंख बंद करो, कान खुले रखना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो सुनना पड़ेगा आपको। आंख बंद करो भाई, ईयरफोन लगा लो और घूमने चलते हैं फ्रांस। तो भाई भारत से करीबन 7,500 किलोमीटर दूर फ्रांस में घूमने चलते हैं, पेरिस। पेरिस नाम का एक शहर है, ठीक है ना? आज से भाई बात करते हैं 150-200 साल पहले की। हम बात कर रहे हैं भाई कब की? हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, ठीक है? तो होता क्या है भाई, सन 1789 में, ठीक है ना, सुबह सुबह क्या होता है भाई, 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ जा रही होती है इधर उधर, पेरिस शहर में इधर उधर भाग रही होती है। और भाई ऐसी किसी ने अफवाह उड़ा दी होती है कि भाई जो राजा है ना, उसने गोली चलाने के आदेश दिए अपने सिपाहियों को आम लोगों पे। ऐसी अफवाह उड़ी होती है कहां पे भाई, पेरिस शहर में। एक बीच का सीन बता रहा हूं मैं आपको, फिर पूरा हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक मूवी चल रही है और एक बीच का सीन चल रहा है। तो भाई यहां पे किसी ने अफवाह फैलाई होती है कि भाई जो राजा है ना, इसने आदेश दिए हैं अपनी सेना को कि भाई जाओ गोली चला दो आम लोगों पे। तो यहां पे इस वजह से अफरा तफरी मची होती है। तो करीबन 7 से 8 हजार लोग शहर में इकट्ठा हो जाते हैं और जाते हैं एक फोर्ट में। ये जो फोर्ट देख रहे हो ना, किला, इसका नाम होता है बैस्टिल, बैस्टिल किला होता है भाई। और भाई लोग इसकी घेराबंदी कर लेते हैं, इसके अंदर घुस जाते हैं और जितने भी कैदी होते हैं उन्हें छुड़ा लेते हैं। और होता क्या है भाई, और इसे तोड़ देते हैं। समझ में आ गया? और भाई ये बैस्टिल किला किसका प्रतीक होता है? तो भाई ये जो निरंकुश ये राजा होता है, इसकी ताकत का प्रतीक होता है ये। तो इस वजह से इस किले को तोड़ दिया जाता है और इसमें जितने भी कैदी होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और भाई इस किले का जो कमांडर होता है उसे भी मार दिया जाता है। अब भाई ये यहां पे स्टोरी हमारी रुक गई। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसके पीछे की कुछ ना कुछ तो कहानी होगी। देखो हमेशा याद रखना बच्चा पार्टी, इतिहास में कोई भी, अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसके पीछे का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है ना? अब जो मैंने अभी कहानी आपको सुनाई है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी रही होगी। तो उस कहानी को ही हम पढ़ेंगे भाई फ्रांसीसी क्रांति के रूप में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ठीक है? और भाई जो बच्चे आ रहे हैं तो बोलूंगा, पसंद आ रहा हो ना तो एक बारी लाइक कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मेरे को अंदर से, ठीक है? कोई बात नहीं, हमसे पढ़ लो बेटा, ये चैप्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमने पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो हमसे पढ़ लो एक बारी, ठीक है? चलिए, तो ये कहानी इतनी समझ में आई, ठीक है? अब होता क्या है भाई, सुनो, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, थोड़ा सा और जानेंगे, फिर हम क्या बात करेंगे, फ्रांस की आर्थिक स्थिति। तो भाई देखो आर्थिक स्थिति क्या होती है, देखो अगर मान लो आपकी आर्थिक स्थिति, होता है ना, आप बोलते हो कभी बोलते हो कि भाई हमारे घर की ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि पैसे की कमी है। तो अगर किसी भी देश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तभी क्रांति होती है। अब मान लो फ्रांस की अगर आर्थिक स्थिति ठीक होती तो यहां पे क्रांति क्यों होती, सबके पास पैसा होता, सब खुशी से रह रहे होते। तो यहां पे जो आर्थिक स्थिति थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रांति हुई, ठीक है ना? तो उसके कारण जानेंगे हम, और फिर हम जानेंगे जीने के संघर्ष। तो भाई उस टाइम के जो लोग थे, जो आम जनता थी फ्रांस की, वो कैसे संघर्ष कर रही थी आम जिंदगी जीने के लिए, ठीक है ना? ये तीन जो टॉपिक है वो हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? चलिए तो भाई एक बारी राम नाम बोल के आगे बढ़ते हैं, जल्दी से थम्स अप दे दो मेरे को फटाफट से बिना किसी देरी के। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति, थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना? अब भाई बात हो रही है ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, 18th सेंचुरी की ये बात हो रही है। तो भाई जो फ्रांसीसी, अब मैं बात करूं फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो तीन भागों में डिवाइड थी, ठीक है? तीन वर्गों में विभाजित थी हमारी फ्रांस की सोसाइटी। अब ये तीन वर्ग कौन से थे? तो पहले वर्ग को बोलते थे हम प्रथम स्टेट, दूसरे वर्ग को बोलते थे हम द्वितीय स्टेट यानी कि सेकेंड स्टेट, और तीसरे वर्ग को हम बोलते थे तृतीय स्टेट। तो जैसे हमारे हिंदुओं में होता था ना, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है ना, पूरा जो वर्णास होते थे हमारे ब्राह्मण हमारे हिंदुज्म में, तो वैसे ही सेम
जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो तीन भागों में बटी हुई थी। पहला था भाई प्रथम स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट, दूसरा था सेकंड स्टेट यानी कि द्वितीय, और तीसरा था तृतीय स्टेट जिसे हम बोलते थे थर्ड स्टेट, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूं प्रथम स्टेट की, तो भाई इसमें जो चर्च थे, चर्च के पादरी थे। अच्छा अब एक बात और, पादरी का सर मतलब क्या होता है? तो देखो पादरी क्या होते हैं, जैसे हमारे हिंदुज्म में क्या होता है, पंडित होते हैं। अगर मैं बात करूं इस्लाम में मौलाना जी होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हर जगह कोई ना कोई इनका एक गुरु होता है हर एक धर्म में। तो भाई अगर मैं बात करूं ईसाइयों की, तो इनके जो गुरु जी होते हैं इन्हें बोलते हैं हम पादरी, ठीक है ना। तो भाई जितने भी चर्च से रिलेटेड लोग थे, चर्च में जहां ये पूजा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम चर्च बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई जो लोग चर्च के थे, जैसे पादरी हो गए, इनसे जुड़े हुए जो लोग हो गए, पादरी की जो पूरा परिवार है ये हो गया, तो भाई इसमें ये आते थे किसमें, प्रथम स्टेट में। अच्छा अगर मैं बात करूं द्वितीय स्टेट की यानी कि सेकंड स्टेट की मैं बात करूं, तो इसमें जो फ्रांस का कुलीन वर्ग था, कुलीन सर कुलीन वर्ग क्या होता है, तो भाई जो अमीर लोग थे जिनके पास पैसा अथा पैसा था जिनके पास, ठीक है ना, और जिनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे, बहुत सारे फायदे मिलते थे इन्हें, तो वो आते थे भाई द्वितीय स्टेट में, इन्हें क्या बोलते थे, कुलीन वर्ग वाले, ठीक है। अगर हम बात करें तृतीय स्टेट की यानी कि थर्ड स्टेट, तो इसमें कौन आते थे भाई, जो बड़े बड़े व्यवसायी थे यानी कि जो व्यापार किया करते थे, और कौन आते थे भाई, अदालती कर्मचारी, वकील हो गए, ये लोग आया करते थे, और भाई किसान आते थे, कारीगर आते थे, ठीक है ना, मजदूर आते थे, ये सारे जो लोग हैं यानी कि जो जितने भी आम लोग हैं वो किस कहाँ आते थे, वो तीसरे स्टेट में आते थे। इतना समझे, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो बिना किसी देरी के। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए तो यहां पे जो फ्रांस का समाज था वो तीन वर्गों में विभाजित था, ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना। तो जैसे प्रथम स्टेट हो गया पादरी वर्ग, ठीक है, पादरी यानी कि चर्च में जो पूजा वगैरह करते, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें हम पादरी वर्ग बोलते हैं। द्वितीय स्टेट यानी कि कुलीन वर्ग, और तृतीय में कौन आ गए हैं, तो बड़े व्यापारी, इसके भी तीन हिस्से थे। अगर मैं बात करूं तृतीय वर्ग के, तो इसके तीन हिस्से थे, तो सबसे ऊपर कौन था इसमें, तो बड़े बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, अदालती कर्मचारी हो गए ये, फिर किसान और कारीगर, उसके बाद कौन आते थे, इसके बाद छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, जो दूसरों की भूमि पे काम करते हैं। तो ऐसे कुछ डिवाइड थी भाई फ्रांस की सोसाइटी। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब भाई बात कर लेते हैं किसकी, कर की बात कर लेते हैं, टैक्सेस की बात कर लेते हैं, जो कर लगाए जाते थे उस टाइम। अच्छा दो तरह के कर थे, एक था भाई टाइथ, एक था टाइथ और दूसरा था टाइल। अगर मैं बात करूं टाइथ की, तो ये जो टैक्स था वो किस पे लगाया जाता था भाई, ये तृतीय स्टेट के जो लोग थे उन पर लगाया जाता था, और किसके द्वारा लगाया जाता था, तो भाई ये चर्च के द्वारा वसूला जाता था, ठीक है ना। जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक दसवां भाग जाएगा किसे, चर्च को, समझ में आ गया। इसे हम बोलते थे टाइथ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, समझ में आ रहा है, टाइथ किसे बोलते थे भाई, जो तृतीय स्टेट को देना पड़ता था, किसे, चर्च को, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं टाइल की, टाइल ये दूसरा टैक्स होता था। अब ये बेसिकली होता क्या था, तो ये बेसिकली होता था जो हम सरकार को दे रहे हैं, यानी कि भाई जो आम जनता है यानी कि जो तीसरा स्टेट है वो सीधा सरकार को दे रहा है, राजा को दे रहा है टैक्स, उसे हम बोलते थे टाइल। अब सोच के देखो जरा, अब ये जो आम जनता है यानी कि जो तीसरा वर्ग है, इसे दो दो टैक्स पे करने पड़ रहे हैं, कौन से भाई, एक तो भाई टाइल और एक टाइल, एक तो इसे चर्च को देना पड़ रहा है और फिर इसे राजा को भी देना पड़ रहा है। तो यानी कि पूरे चर्च की जो जिम्मेदारी है, पूरे टैक्स की जो जिम्मेदारी है किस पे आ गई है, पूरे टैक्स की जो जिम्मेदारी है वो आ गई है तीसरे वर्ग पे। और बात करूं मैं प्रथम दो स्टेट की यानी कि पहला और दूसरे वर्ग की बात करूं, तो इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। देखो ये प्रथम, अगर मैं बात करूं इसकी, थोड़ा सा ऐसे रेस करता हूं मैं, चलिए अगर मैं बात करूं प्रथम स्टेट की, इन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर मैं बात करूं द्वितीय स्टेट की, इन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स देना किसे पड़ता था, तो टैक्स इन भाई साहब को देना पड़ता था, यानी कि जो तृतीय वर्ग है जिसमें व्यवसायी हो गए, किसान हो गए, छोटे किसान हो गए, ठीक है ना, भूमिहीन किसान हो गए, तो ये सब आते थे, ये सारा ये जो थे ये टैक्स दिया करते थे। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है, ठीक है ना। आप अगर सोच के देखो जरा कितनी बड़ी नाइंसाफी है, प्रथम स्टेट नहीं देता टैक्स, द्वितीय स्टेट बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करता जबकि उसमें इतने अमीर लोग हैं, और जो तृतीय स्टेट था वो पूरा टैक्स पे किया करता था। अब एक चीज और, एक चीज ध्यान से और सुनना, मान लो इसमें एक चीज और होती थी, मान लो ये जो व्यवसायी हैं बड़े बड़े, ये बहुत ज्यादा अमीर हो जाया करते थे ना, ये बहुत ज्यादा अमीर हो जाया करते थे, तो इन्हें
सेकेंड स्टेट में, यानी कि धरती स्टेट जो है इसमें भी डाल दिया जाता था। ठीक है, यहां पे एक सिस्टम और था, अगर आपको भाई धरती स्टेट में आना है तो या तो आपको धरती स्टेट के जो लोग हैं इनके यहां पैदा होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता क्या था, या तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं तो आप दूसरे स्टेट में डाल दिए जाएंगे। समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। हाँ बेटा मैं ज्वाइन कर लूंगा टेलीग्राम ग्रुप जो है, ठीक है ना। तो इतना ये बता दो, इतना समझ में आया या नहीं आया फटाफट से बता दो, और भाई लाइक वाइक करते रहना बीच में, ठीक है, लाइक वाइक कर देना। हाँ हिटलर वाला चैप्टर बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं, हिटलर वाला चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ये भी पढ़ा दूंगा मैं। इसके बाद एक काम करते हैं, हिटलर वाला चैप्टर ही पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कोई बात नहीं, लेट नहीं हो। हाँ बेटा तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो गरीब नहीं, नहीं तीसरे स्टेट में भी तीन कैटेगरी थी बेटा, देखो ना जो तीसरा स्टेट है इसमें भी तीन कैटेगरी हैं, जो व्यापारी वगैरह हुआ करते थे और या फिर वकील जो हैं या फिर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो ठीक ठाक थे, लेकिन भाई जो किसान थे या फिर आप बोल सकते हो भूमिहीन किसान थे, ये बहुत गरीब हुआ करते थे, ठीक है ना। पूरा तीसरा स्टेट गरीब नहीं था, इसमें जो कुछ बड़े व्यापारी वगैरह थे ये तो ठीक थे, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई या नहीं हुई, ठीक है। तो यानी कि पहले प्रथम जो दो स्टेट थे इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो रखे थे, किससे भाई, राजा के द्वारा, ठीक है ना, इन्हें टैक्स में छूट दी जाती थी। अच्छा अब एक बात बताओ कि भाई उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी का नाम क्या था, जल्दी से बताओ फ्रांस की करेंसी का नाम क्या था। ये देखो ये फ्रांस की करेंसी है, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, फ्रांस की करेंसी का नाम क्या था उस टाइम। बिल्कुल लिवरे नाम था, फ्रांस की करेंसी का नाम क्या था, तो फ्रांस की करेंसी का नाम था लिवरे, जिसे 1794 में हटा दिया गया था। किसके द्वारा हटा दिया गया था, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन, ठीक है ना, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो ठीक है, तो फ्रांस की करेंसी क्या थी भाई, लिवरे थी, जो चला करती थी, जिसे 1794 में हटा दिया गया था। तो इतनी सारी चीजें जो है वो याद रखनी है, ज्यादा फालतू का नहीं पढ़ना, जितना मैं बताता जाऊं उतना ही पढ़ते रहना, उससे बाहर कहीं आने वाला है नहीं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई फ्रांस की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो मैंने आर्थिक स्थिति के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, आर्थिक स्थिति क्या होती है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति जो है ना वो ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास पैसा नहीं है जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं, ठीक है ना। तो वैसे ही हम पूरे देश की भी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो भाई यहां पे जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि उसके कारण क्या थे। तो भाई होता क्या है, 1774 में लुई सोलवे जो होते हैं वो बनते हैं फ्रांस के राजा, फ्रांस की राजगद्दी पे बैठते हैं। अच्छा एक मन में आपके सवाल आया है कि इन्हें लुई सोलवा क्यों बोलते हैं, मान लो हम है, ठीक है ना, मान लो हमारा नाम क्या है, हमारा नाम है मान लो पांडे भैया, ठीक है, पांडे भैया नाम है हमारा, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, मान लो हम राजा हैं, मान लीजिए हम राजा हैं, ठीक है, तो भाई हमारा जो लड़का होगा ये क्या बनेगा, पांडे टू, है ना, पांडे टू, पांडे प्रथम हम है, पांडे टू कौन हो गया, हमारा लड़का, यानी कि जो हमारा पोता होगा उसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम पांडे थ्री, ठीक है ना। अब ऐसे कर करके फिर इसका जो लड़का होगा वो बनेगा पांडे फोर, तो ऐसे करके भाई जब एक ही राजवंश से लोग आ रहे होते हैं ना तो उनका नाम रख दिया जाता है 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये कौन से लुई थे, ये सोलवे लुई थे, समझ में आ गया, तो इस वजह से इन्हें बोला जाता है लुई सोलवा, ठीक है। चलिए तो भाई हुआ क्या, 1774 में भाई जो लुई सोलवे थे ये फ्रांस की राजगद्दी पे बैठते हैं, और जब ये फ्रांस की राजगद्दी पे बैठे थे तो इनकी जो उम्र थी वो महज 20 वर्ष थी इनकी उम्र, ठीक है ना। और ये किस राजवंश से बिलोंग करते थे भाई, ये बर्बन राजवंश से बिलोंग करते थे। राजवंश क्या होता है भाई, तो देखो राजवंश यानी कि एक ही राज के जो वंश आ रहे हैं, यानी किसी एक फैमिली के ही लोग जो हैं राजा बनते जा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं राजवंश, डायनेस्टी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो बर्बन नाम की डायनेस्टी थी, जैसे मुगल हो गए, मुगल डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी हो गई, वैसे ही ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, समझ में आ गया। हाँ बेटा बिल्कुल, राजा का जो वंश होता है वही राजा बनता है आगे, ठीक है ठीक है।
अब होता क्या है भाई, इनका इनकी शादी हो जाती है, तो इनकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी होती है, उनका नाम होता है मैरी एंटोनेट, ठीक है ना, इनसे इनकी शादी हो जाती है। अब होता क्या है कि भाई ये जो लुई 16वें होते हैं ना, ये काफी अकुशल होते हैं, इन्हें आता जाता नहीं है, कुछ पागल टाइप के होते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो उनकी बीवी होती हैं वो इनसे भी बड़ी बेवकूफ होती हैं, मतलब मियाँ बीवी दोनों एक जैसे होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता कि राज्य को चलाना कैसे है। और ये महज 20 वर्ष की उम्र में ये बन जाते हैं राजा, ठीक है। होता क्या है भाई, अब यहाँ पे जब ये राजा बनते हैं तो इनका जो राजकोष होता है, यानी कि इनका भंडार होता है, धन भंडार होता है, ये इन्हें खाली मिलता है, इनकी जो तिजोरी होती है वो उसमें इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब भाई तिजोरी में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि होता क्या है भाई, क्योंकि जो फ्रांस होता है ना वो लंबे समय तक युद्धों में रहा था, इसने बहुत सारे देशों से युद्ध लड़े थे, इस वजह से इसकी तिजोरी जो थी वो खाली हो गई थी। दूसरा कारण ये था कि भाई जो राजा थे इनके, यानी कि इससे पहले जो राजा रहे थे उनकी शानो शौकत में हजारों लाखों करोड़ों रुपए उड़ाए जाते थे, उनकी सिर्फ शानो शौकत में। एक तरफ जो तीसरा वर्ग था जो जिससे सारा कर्ज टैक्स लिया जाता था, दूसरी तरफ भाई ये राजा थे जो शानो शौकत में पूरी अपनी दौलत उड़ा देते थे, ठीक है ना, इस वजह से इनकी तिजोरी खाली हुई थी। तीसरा कारण क्या था भाई, ये बहुत जरूरी है, तीसरा कारण ध्यान से सुनना भाई, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अब देखो उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी जान लो थोड़ी सी। देखो होता क्या था, देखो पहले कॉलोनीज बना रखी थी, जैसे कि मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने इंडिया पे राज किया, तो वैसे ही फ्रांस जो था ना, फ्रांस की भी बहुत सारे देशों में क्या था, देशों में रूल कर रखा था, ठीक है ना। फ्रांस इंडिया में भी आया था, ध्यान करो आप आगे पढ़ोगे, फ्रांस इंडिया में भी आया था रूल करने। तो वैसे ही भाई ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका गए थे। अब होता क्या है भाई, ब्रिटेन हरा देता है किसे, फ्रांस को अमेरिका में। तो यहां पे फ्रांस बदला लेने के लिए, ध्यान से सुनना, फ्रांस बदला लेने के लिए क्या करता है, जो अमेरिका में लोग रहते हैं, अमेरिका की जो मूल निवासी होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है, कि क्या करता है भाई, उन्हें आजादी दिलवाता है, किससे, ब्रिटेन से, सिर्फ बदला लेने के लिए। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे पैसा खत्म हो जाता है, किसका भाई, फ्रांस वालों का, ठीक है ना, यहां पे कर्जे में आ जाते हैं, तो इस वजह से इनकी जो तिजोरी होती है वो खाली हो जाती है। और भाई आखिरी कारण क्या है कि भाई जनसंख्या, जो फ्रांस की जो जनसंख्या होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से इनकी जो तिजोरी होती है वो खाली मिलती है। और ये जो प्रश्न है ये किसमें आता है, ये एग्जाम में भी आ जाता है भाई, ठीक है ना, कि भाई जो राजा लुईस 16 जब राजा बने तो इनकी तिजोरी इन्हें क्यों खाली मिली, तो आपको ये चार कारण लिख देने हैं बिना किसी संकोच के, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या हुआ भाई, अब भाई जब हुआ ये, जब अमेरिका के साथ ये लड़ाई में शामिल हुए, अमेरिका को आजादी दिलवाने के लिए ये लड़ाई में शामिल हुए, होता ये है कि भाई इनके इनके पास कर्जा हो जाता है, ये ठीक है, ये 10 अरब लिवरे का भाई क्या ले लेते हैं, कर्ज चुकाना पड़ता है इन्हें भाई, अब ठीक है, समझ में आया, 10 अरब लिवरे का इनके पास कर्ज आ जाता है। अब क्या होता है भाई, इससे पहले इनके पास 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से इन्हें चुकाना था, तो इतना सारा इन्होंने कर्जा ले रखा था, ठीक है ना। अब होता क्या है भाई, इन सब का ठीक है ना, इन सब की भरपाई करने के लिए, जितना भी ये कर्जा ले रखा था, इन सब की भरपाई करने के लिए यहां पे क्या होता है, यहां पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है, यहां पे जो लुई 16 होते हैं ये क्या कर देते हैं, ये टैक्स बढ़ा देते हैं। अब भाई जब टैक्स बढ़ाओगे, टैक्स देना किसको पड़ रहा है, तो भाई टैक्स तो जो तृतीय स्टेट है उसे देना पड़ रहा है, तो यहां पे आप बोल सकते हो ये भी क्या कारण था, ये भी एक क्रांति का कारण था, फ्रांसीसी क्रांति का ये भी एक कारण था, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़े फटाफट से बता दो। गुड इवनिंग बेटा, कुणाल बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थोड़ा सा लेट हो गए आप। चलिए, अरे गणेश ठाकुर जी रो क्यों रहे हो, इतना काहे रोते हो बे, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ठीक है ना, इतनी स्टोरी समझ में आई, अब तक जो हमारी स्टोरी है कहां तक पहुंची है भाई, कि भाई देखो जो लुईस 16वां था इसे राजा बना दिया गया, हुआ क्या भाई, जब ये आया तो इसकी तिजोरी खाली मिली, जब इसे तिजोरी खाली मिली तो फिर क्या हुआ, इसने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए, जब इसने टैक्सेस और ज्यादा बढ़ा दिए तो क्या हुआ, यहां पे जो तीसरा वर्ग था ये काफी नाराज हो गया, ठीक है। चलिए
अब भाई यहाँ पे एक नया टॉपिक जो है वो है जीने का संघर्ष। भाई जो स्ट्रगल हो रहा है लोग जीने के लिए, अब भाई जीने के संघर्ष से मतलब क्या है भाई? तो यहाँ पे होता है क्या है कि भाई जो तीसरा वर्ग होता है ये बहुत ज्यादा गरीब होता है, ठीक है ना। ऊपर से जो टैक्सेस होते हैं बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर से क्या था, ऊपर से जो पॉपुलेशन होती है फ्रांस की जो पॉपुलेशन होती है ये भी बढ़ जाती है। तो भाई ये अगर मैं बात करूं 1715 की, जहां पे फ्रांस की जो पॉपुलेशन होती है वो होती है लगभग 2.3 करोड़, वहीं ये बढ़ के 1789 में हो जाती है 2.8 करोड़। तो यहां पे जब पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, लेकिन भाई क्या है, सप्लाई तो उतनी है ना, सप्लाई तो बढ़ी नहीं है, पॉपुलेशन उतनी है, तो यहां पे क्या होगा भाई, खाने पीने की कमी आएगी, ठीक है ना। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई, अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी। अब देखो वहां पे लोग क्या खाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे रोटी वगैरह खाते हैं ना, वहां पे पाव रोटी खाते हैं, पाव जो पाव आता है ना, पाव यहाँ पे भी खाते हैं कुछ, लेकिन वहां पे उनका डेली यही खाना होता है पाव रोटी। तो इसके दाम बहुत बढ़ गए। दाम क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि सप्लाई नहीं थी, सूखा पड़ गया था, ठीक है ना, सूखा भी पड़ गया था बहुत जगह पे, तो सप्लाई उतनी थी नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इस वजह से क्या हुआ कि भाई रोटी के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ऊपर से जो कर था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब सोचो भाई कि यहाँ पे जो तीसरा वर्ग है कितना परेशान होगा। अगर मुख्य रूप से मैं बात करूं किसानों की, जो छोटे मोटे मजदूर हैं या फिर जो भूमिहीन किसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या हुआ, अब भाई जो मजदूर थे, अब मजदूर की समस्या क्या थी कि भाई देखो महंगाई बढ़ रही है, यानी कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन उनकी सैलरी तो उतनी है ना। जैसे मान लो मैं बात करूं, ये जो पेन है, मान लो ये पेन 20 रुपए का है, अब ये 20 से 40 का हो जाए, ठीक है ना, एक साल बाद, लेकिन भाई मेरी जो सैलरी थी, मान लो मेरी जो सैलरी थी वो 100 रुपए से बढ़ के बस 100 ही रुपए रहे एक साल तक, एक साल बाद भी 100 ही रुपए हो, तो क्या फायदा भाई, फायदा नहीं है ना कुछ भी, सैलरी उतनी है और महंगाई बढ़ गई है। तो यहां पे ये हो रहा था कि मजदूर थे ना, इनकी सैलरी बहुत कम थी, इनकी जो वेतन था इनका बहुत कम था, लेकिन भाई हुआ क्या, लेकिन यहां पे चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो यहां पे बोल सकते हो यहां पे लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। आई बात समझ में, जल्दी से बताओ सर, ज्योग्राफी का जल्दी से करवा दीजिएगा। अरे बेटा जल्दी, बिल्कुल करवा देंगे, 14 को एग्जाम है, ठीक है। तो ये बताओ ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर करवाना है, ये बताओ पहले। विदित बेटा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल साथ के साथ बोलूंगा, लाइक वाइक करते रहना, लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा सा देख के खुशी मिलती है कि हाँ कुछ तो पल्ले पड़ रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा, चमक रहा है ना कुछ तो है। सेकेंड चैप्टर जनसंख्या, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हुआ क्या भाई, यहां पे जब टैक्सेस बढ़ा दिया, टैक्सेस तो बढ़ गए थे ऑलरेडी, फलस्वरूप हुआ क्या भाई, अमीर और गरीब की जो खाई थी वो और ज्यादा चौड़ी हो गई। अब एक बात बताओ, देखो टैक्सेस कैसे देने पड़ रहे हैं, जो तीसरा वर्ग है वो टैक्स दे रहा है, तो यहाँ पे जो प्रथम स्टेट है और जो द्वितीय स्टेट है, अब इसे तो टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है ना, ये तो निश्चिंत है। तो यहाँ पे अमीरी और गरीबी की जो बीच की जो भाई गैप था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब होता क्या भाई, जो स्थिति होती है वो बस से बदतर हो जाती है, ऊपर से क्या होता है, ऊपर से भाई सूखा पड़ जाता है, ठीक है ना, सूखा पड़ जाता है, पैदावार ज्यादा होती नहीं है, तो रोटी की दिक्कत होने लगती है, इससे क्या होता है, इससे भाई जो जीविका होती है ना वो संकट में आ जाती है। इसे हम इंग्लिश में एक टर्म यूज होता है बेसिकली, निर्वाह संकट बोलते हैं इसे, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं इसे। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, किसी ने एक डाउट पूछा था कि भाई निर्वाह संकट क्या होता है, जीविका संकट क्या होता है, तो इसमें होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखना है इसे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब इसमें होता क्या है भाई, जब खाने पीने की कमी होती है, ठीक है ना, जब खाने को लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं जीविका संकट, यानी कि आपके पास जीवन जीने के लिए भी ना, ठीक है, कुछ खाने पीने को है भी नहीं, इस वजह से आपके जीवन पर संकट आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जीविका संकट, ठीक है ना, यानी कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो यहां पे ऐसी जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ, आगे समझ में, क्योंकि भाई ये जो आज का टॉपिक है समाप्त हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, तो भाई एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको जो क्रांति का मतलब था ये समझाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्रांति का मतलब समझाया, क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है ना, परिवर्तन। किसमें परिवर्तन भाई, आपकी सरकार या फिर राजा में परिवर्तन लाना। क्यों लाना, क्योंकि भाई वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, और लाना क्यों, कौन चाहता है, तो भाई जो आम जनता है वो लाना चाहती है, तो इसे हम बोलते हैं क्रांति। और ये क्रांति किससे रिलेटेड है भाई, फ्रांस की क्रांति है, यानी कि ये पहली क्रांति थी जिसने कुछ बदलाव लाए थे, ठीक है ना, जिसने कुछ बदलाव लाए थे, और इस क्रांति ने एक उदाहरण सेट किया था, ठीक है ना। पहले तो हमने ये पढ़ा, फिर हमने जाना किसके बारे में भाई, फिर हमने जाना भाई एक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, कि शुरू क्यों हुई इसके, ठीक है, कारण क्या था शुरू होने के, ठीक है। कारण में हमने क्या क्या जाना भाई, देखो तो भाई पहले जो एक जो समाज था उनका तीन वर्गों में डिवाइड था, ऊपर से दिक्कत क्या थी, डिवीजन की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पे जो टैक्स था वो किसे चुकाने पड़ते थे, वो तृतीय वर्ग को चुकाने पड़ते थे, ठीक है। फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी भाई, क्योंकि भाई यहां पे जो राजा थे लुई 16, ये अकुशल थे, इन्हें कुछ आता नहीं था। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, अकुशल थे, इन्हें कुछ आता नहीं था, ठीक है। फिर होता क्या है, जब ये आते हैं तो इन्हें इन्हें पता चलता है भाई इनकी जो तिजोरी है वो खाली है। क्यों, क्योंकि भाई देखो इनके जो इनसे पहले जो राजा महाराजा आए थे उन्होंने शान और शौकत में वो सारा खजाना खत्म कर दिया, ठीक है। ऊपर से इन्होंने युद्ध बहुत सारे लड़े, अमेरिका को आजादी दिलवाने के लिए जो भी इन्होंने कर्जा लिया वो, ठीक है। और ऊपर से क्या था, ऊपर से जो पॉपुलेशन थी यानी कि जनसंख्या जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना, ये सारे कारण थे। फिर हमने क्या देखा भाई, फिर हमने देखा भाई टैक्सेस के बारे में, कि भाई टाइथ और टाइल दो टैक्सेस होते थे। टाइथ क्या होता था भाई जो धर्म के नाम पे टैक्स लिया जाता था, किसके द्वारा, पादरी के द्वारा, चर्च के द्वारा, ठीक है ना। और ये सब किसे देना पड़ता था, ये जो टैक्स था वो तीसरे स्टेट को देना पड़ता था, तृतीय स्टेट को। अगर बात करूं टाइल की, ये क्या था भाई, ये प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता था, यानी कि डायरेक्ट टैक्स था जो राजा लेता था किससे, जनता से। तो भाई ये जो जनता थी यानी कि तीसरा जो वर्ग था, ये इसे दो लोगों को टैक्स देना पड़ता था, एक चर्च को और एक राजा को, ठीक है ना। तो ये भी बहुत दिक्कत थी। अब हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, फिर आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर ली थी हमने। फिर भाई जो यहां पे जीने का संघर्ष में हमने क्या देखा, कि भाई देखो सूखा पड़ गया था, पैदावार ज्यादा हुई नहीं थी, फिर क्या हुआ भाई, ऊपर से टैक्सेस बढ़ा दिए थे, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक सिचुएशन डेवलप हो गई, जिसे हमने बोला किस, क्या बोला भाई, जैसे हमने एक नाम दिया, जैसा बोला गया निर्वाह संकट, ठीक है ना, या फिर जीविका संकट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इससे क्या हुआ भाई, लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा था वो भड़क गया, और भाई ये ज्वालामुखी के रूप में फटा, और उसे हम बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इतना समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। तो भैया आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज एक बारी कमेंट कर देना। अरे होमवर्क में कुछ नहीं करना, जो मैंने पढ़ाया है बस उसे पढ़ लो, ठीक है। अरे सर्वर मत बोलो यार, सर्वत मत बोला करो भैया, बोलो पहले, कनेक्शन मानो यार पहले, तो सर बोलोगे फिर काम नहीं चलेगा ना ऐसे। अच्छा समझ में आ गया, चलिए। तो भाई अगर जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उन्हें पसंद आए, सबको अगर पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक ठोक के चले जाना, वो जो ऐसा थम्सअप वाला बटन है ना दबा देना बिना कुछ समझ के, अगर पसंद आया हो तो, ठीक है ना। और ज्यादा पसंद आया हो तो कुछ लिख देना, अच्छी बात है, तो भाई अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है ना, कुछ नई बातें जानेंगे इस अध्याय के बारे में, पार्ट टू में, पार्ट तीन या चार में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।